हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ मैथ ओलंपियाड। आज की वीडियो में क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 - √3 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एंड x² - 1/x² रिस्पेक्टिवली आर। हमें ऑप्शंस दी गई हैं और हमें x² + 1/x² और x² - 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है x की वैल्यू क्या गिवन है, 2 - √3। ठीक है, तो हमें x² + 1/x² या x² - 1/x² में हमें चाहिए क्या, 1/x। ठीक है, 1/x चाहिए, गिवन है हमें एक्स की वैल्यू और हमें 1/x फाइंड करना है। तो हम इसका क्या कर लेंगे, 1 और एक्स की वैल्यू क्या है, 2 - √3। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 + √3 जो हमें डिनोमिनेटर में गिवन होता है उसी का बस साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो अब क्या हो गया, हमारे पास क्या क्या वैल्यू मिल गई हैं, x² ये हमारा a, ये हमारा b, a + b a - b के फॉर्म में है। तो 1/x इज इक्वल टू, नीचे हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या बचेगा, 2 + √3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा 1/x एज इट इज़ रहेगा और ऊपर में 2 + √3 और नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 - √3 से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा, 3। ठीक है, तो 1/3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/x की वैल्यू हमारे पास 2 + √3। ठीक है, ये 1/x की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम x² + 1/x² और x² - 1/x² की वैल्यू फाइंड करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू हमें गिवन है 2 - √3 और 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2 + √3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वल टू हमें गिवन है 2 - √3 और हमने 1/x की वैल्यू क्या फाइंड की है, 2 + √3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 - √3 देन प्लस 1/x की वैल्यू 2 + √3। ठीक है, अब यहाँ पे -√3 और +√3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1x + 1/x की वैल्यू 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x - 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 - √3 - 1/x की वैल्यू 2, साइन चेंज हो जाएगा, +(-)√3। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास √3 और √3 ऐड होकर क्या हो जाएगा, -(2√3)। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, x + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। कैसे टूटेगा, ये हमारा x² + 2, a के जगह पे x, b के जगह पे 1/x + 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x² + 1/x² + 2। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1x प्लस
वन बाई एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से क्या फाइंड की है, फोर, तो ये हो जाएगा हमारा फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा और प्लस टू को हम इस साइड ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिक्सटीन। ठीक है, फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन और टू को हम इस साइड ले आते हैं माइनस टू, तो क्या बचेगा हमारा इस साइड एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्टीन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, फोर्टीन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वन बाई एक्स, ठीक है, देन एक्स माइनस वन बाई एक्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, फोर। ठीक है, इन टू में एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, माइनस टू रूट थ्री। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस एट रूट थ्री। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली है, वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फोर्टी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गया है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फोर्टीन और माइनस एट रूट थ्री। ठीक, यानी कि फोर जो है वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।